वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी सुबह के जस्ट बज रहे हैं 8:30 से 9 के बीच का टाइम होगा और मैं बस जस्ट नहा करके ही आ रही हूँ। तो अभी आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है और अभी कुछ भी अपना स्किन केयर नहीं किया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और अच्छे तरह से यहाँ पे खेल रहे हैं और ब्लॉग मेरा एक बार स्टार्ट हो जाता है ना तो पूरा हो जाता है, अदरवाइज सोचते रह जाओ। और कभी कभी सर्दियों में ना तो बिल्कुल मन ही नहीं करता ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा स्टार्ट कर देते हैं तो कंप्लीट भी हो जाएगा और नहीं करूँगी तो बस आलस खाती रह जाऊँगी। तो चलो अभी आज पूजा तो नहीं करनी है क्योंकि कुछ होता नहीं है गाँव में, गाँव परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको सूदक हो जाता है फैमिली में, तो इस वजह से पूजा नहीं करनी है। 8-10 दिनों के लिए पूजा बंद हो जाती है तो पूजा पाठ कुछ करना नहीं है। तो चलो पहले बालों को मैं थोड़ी देर तक टॉवल में रहने देती हूँ और उसके बाद बाल सुखा लेती हूँ और फिर मुझे लंच बनाना है, तो देखती हूँ। अभी मैंने लंच में कुछ सोचा नहीं है क्या बनाऊँगी। सो, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा चलिए स्किन केयर कर लेते हैं। और मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ही, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर मैं टोनर यूज़ करने जा रही हूँ। और टोनर मैंने गुड वाइब्स का लिया है, रोज़ मैरी एनर्जिंग फेस मिस्ट, और ये काफ़ी अच्छा टोनर होता है। और टोनर जो है वो हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है और पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, तो बहुत ज़रूरी होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं। टोनर आप कोई भी यूज़ करिए, रोज़ वाटर का भी यूज़ करेंगे तो भी, गुलाबरी का भी यूज़ करेंगे तो भी कुछ। और यहाँ पे मैं हिमालय की मॉइस्चराइज़र क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, और मैं नीविया या फिर हिमालय दो की ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी टाइम पहले से भी मैं यूज़ करते आई हूँ, तो इसको मैंने चेंज नहीं किया हुआ है और ये हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है और फेस ना में जो चिड़चिड़ापन होता है, जो ड्राइनेस होती है ना, वो बिल्कुल भी गायब हो जाती है। और ठंड के टाइम में ना तो फेस हमारा ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हाथों पैरों में भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और लास्ट में आता है, मैं लास्ट में यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ सीरम, तो सीरम भी यहाँ पर अगेन गुड वाइब्स का ही मैं ले रही हूँ, तो गुड वाइब्स का ये सीरम है। और सीरम फेस के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारा फेस होता है ना, जो डलनेस होती है वो सीरम यूज़ करने से सारी गायब हो जाती है और एक एक्स्ट्रा ग्लो हमारे फेस पर आ जाता है। तो सीरम हो गया और या फेशियल ऑयल, एक कोई चीज़ आप ज़रूर यूज़ करिए अपने डेली स्किन केयर रूटीन में रखिए। तो अगर आप फेशियल ऑयल भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी बेस्ट होता है। और मैं जो है गुड वाइब्स का ही फेशियल ऑयल भी आपको रिकमेंड करूँगी। तो बस यही मेरा सिंपल सा डेली स्किन केयर रूटीन है जो कि हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में अभी मुझे लंच बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आधे के लिए दाल बहुत ज़रूरी हो जाती है और मुझे रोज़ रोज़ दाल बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी को यार रोज़ रोज़ दाल खाना किसको पसंद आएगा, किसी को नहीं आता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं आधे के लिए दलिया बना दूंगी और अक्षत के लिए और अपने लिए सब्जी पराठा बना लेती हूँ। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं काम और मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मेरी कुछ भी किचन का काम नहीं हुआ है। तो पहले सब्जी बना लेते हैं और फिर पराठे बना लेते हैं, और आद्या को तो अभी दूध दूंगी, फिर उसके बाद उसको मैं दलिया बनाऊंगी, तो थोड़ी देर में ही खाएगी। और अभी मुझे अजवाइन पानी भी बॉईल करना है क्योंकि अभी हाँ क्या हुआ, गिरा दी। अरे यार आद्या ना बहुत ज्यादा सामान फेंकती है, मतलब अगर कुछ भी है तो खिड़की से बाहर तुरंत फेंक देगी, तो नीचे गिर जाता है या रोड में और फिर अक्षत को भाग भाग के लाना पड़ता है। ये लड़की ना बहुत बदमाश हो गई, जितनी इनोसेंट दिखती है ना उतनी इनोसेंट है नहीं। ये देखिए आप लोग देख सकते हो कितनी इनोसेंट दिख रही है पर बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। क्या किया तूने, आज तूने क्या किया, शू फेंक दिया। हाँ हाँ कहाँ फेंका शू, भैया जा रहा है लेने, तो अक्षत जा रहे हैं लेने। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं खाना और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो सब्ज़ी मैं आज बहुत सिंपल सी आलू और टमाटर की बनाने वाली हूँ। और आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी में ना यहाँ पे मैंने बड़ी डाल दी है, और मुझे ना रस वाली सब्ज़ी में बड़ी डाल दो ना तो बहुत अच्छी लगती है बड़ी। और हमारे प्रतापगढ़ साइड में इसको कोहड़री बोला जाता है, तो मुझे दोनों साइड की पता है, मम्मी मेरी बड़ी बोलती हैं और हम लोग के यहाँ कोहड़री बोला जाता है। तो बस ऐसे ही डाल करके, और मसाला और मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, तो मतलब ना कि बराबर, क्योंकि अगर मसाला मैंने ज़रा सा ज़्यादा कर दिया और मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं, तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। तो ये मेरी सब्ज़ी फटाफट से बन गई और बहुत ही आर मुँह से फटाफट निकलता है, पर क्या करूँ आदत हो गई है। और होता नहीं है कुछ चीज़ों की ना हैबिट बढ़ जाती है, फिर आप कितना भी कंट्रोल करो ना वो वर्ड्स बार बार आपकी मतलब बार बार आपकी जुबान पे आते हैं, तो होता है। और लास्ट में मैंने जो चॉप किया हुआ टमाटर था वो डाल दिया है, और यहाँ पे मेरी फाइनली तो चलिए अभी मैंने सब्जी छौंक दिया है, और एक सेकेंड यहाँ पे अंधेरा था, लाइट ऑन कर लेती हूँ। और ये देखो लाइट ऑन, ओ माय गॉड, सच में यार मैं इनकी किसी किसी आदत से ना एकदम परेशान हो गई हूँ। और ये देखो अभी मेरा बेड कैसे पड़ा हुआ है, अभी तक बेड नहीं सही कर पाई हूँ मैं, सुबह से टाइम ही नहीं लगा। और ये देखो ये क्या किए हैं, ये गीली टॉवल बेड के ऊपर रख के चले गए हैं। तो इनकी यही आदत ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब बहुत इरिटेट करती है मुझे, और ये अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं है। क्यों यहाँ पे गीली टॉवल फिर से रख दिए हो? ये देखो यार प्लीज मत किया करो, बहुत परेशान कर ली है सच में, इरिटेशन होने लगती है। और इनका काम है गीली टॉवल बेड पे रखना और मेरा हटाना, मतलब यही मेरा काम रह गया। हाँ क्या हुआ? और ये भाई साहब की सूलेस हमेशा खुली रहती है, तो जब भी मैं कुछ करती रहती हूँ, ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, यू नो कुछ भी काम करती रहती हूँ ना, तो ये पहले आकर के खड़े हो जाते हैं कि मेरा सूलेस पहले बांध दो फिर बाकी कोई काम करो। और ये घर पे भी ना शू पहन करके घूमते हैं। यहाँ पर मेरे पराठे भी बनते जा रहे हैं और चाय भी मैं पीती जा रही हूँ, क्योंकि आज सुबह ना अक्षत और आद्या बहुत परेशान कर रहे थे उसी टाइम, तो मैं चाय नहीं पी पाई थी। और मुझे ना चाय बहुत सुकून से पसंद है, मतलब उस समय मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो मैं ऐसे ही चाय पीती हूँ। तो मेरा दोबारा से चाय पीने का मन किया, तो मैंने सोचा चलो पराठे सेकते जाते हैं और चाय भी बना लेते हैं साथ में, चाय भी पीती जाऊंगी और आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी। और ठंड के टाइम में ना मुझे चाय दो से तीन बार भी मिल जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग नहीं पीते हैं। और गर्मियों में मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती चाय की, गर्मियों में कभी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड में अगर 2 से 3 बार भी चाय मिल जाती ना तो अच्छा लगता है। और इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी ना धूप निकल आई है और मुझसे बिल्कुल नीचे रहा नहीं जा रहा है, लेकिन आद्या अभी सो गई है, तो जब वो सो करके उठेगी तो उसको भी खाना खिला करके फिर दोनों को लेकर के थोड़ी देर के लिए छत पे जाऊंगी और वहां आराम से बैठूंगी। आराम से क्या बैठूंगी यार, बच्चे हैं बैठने कहाँ देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूप तो लगी जाएगी। तो चलो अभी और यहाँ पर मैं बेड सही कर रही हूँ, क्योंकि बेड फैला रहता है ना तो बहुत अजीब सी उलझन होती रहती, लगता है कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो बस आज नहीं कर पाई थी, तो सुबह से मेरा दिमाग इसी पे लगा हुआ था, तो अब जाकर फाइनली मुझे टाइम मिला इसको करने का, तो बस कर लेती हूँ। और बच्चे ना मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं और मैं एक तरफ सेट करती जाती हूँ और ये लोग सामान फैलाते जाते हैं, तो क्या कर हम आ गए हैं अपनी छत पे और बहुत हल्की हल्की सी धूप खिली हुई है, और ठंड के टाइम पे ना बस इंतज़ार रहता है कि धूप कितना जल्दी आए, और एक बार धूप में बैठ जाओ ना तो फिर तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, बहुत आलस लगता है। तो मुझे तो वेट रहता है कि बस सारा काम ख़त्म करूं और ख़त्म करके छत में जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं। और ये देखो अक्षत कहाँ चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अक्षत को अपार्टमेंट में खूब सारे बच्चे मिल गए हैं खेलने के लिए, तो ये लोग अपना आपस में खेलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है, अपना ये लोग खेलते कूदते रहते हैं। और बच्चों के लिए आजकल टीवी भी देखने से अच्छा है कि
बच्चे एक्टिविटी करें, कुछ खेलें कूदें, गेम खेलें, तो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे उनका हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। नीचे उतरो, चोट लग जाएगी, चलो नीचे उतरो, सब नीचे उतरो। शायद फिर हम दीदी से नहीं क्या बोलेंगे खेलने के लिए। तो बस यही है, और चलो अभी हम लोग इंजॉय करते हैं थोड़ा सा धूप, और आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ नीचे। एक सेकंड, लाइट ऑफ है। तो मैं आ गई हूँ नीचे और अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, और लाइट ना पूरे घर की बंद करके जाती हूँ, क्योंकि अननेसेसरी ना लाइट्स जलती रहती है, तो चलना ठीक नहीं है। अननेसेसरी नहीं हो तो बंद कर देना चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में, और शाम के टाइम बालकनी में खड़े रहना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और काम बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि मुझे अभी दूध भैया दे गए हैं, तो उसको बॉयल करना है, और उसके बाद अक्षताध्या को दूध भी दूंगी, और दूध देने के बाद फिर शाम के लिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो अभी कुछ स्नैक्स बनाने का मन कर रहा है। तो आज अक्षत बोल रहा है कि मम्मा समोसे आपने बहुत दिनों से नहीं बनाए हैं, तो आज समोसे बना दीजिए। तो देखती हूँ, जा रही हूँ फिर समोसे ही बना लेती हूँ स्नैक्स में। तो शाम का टाइम है, गर्मा गर्म चाय और समोसे हो जाएंगे। और धूप से आओ ना यार, तो मतलब ठंड और ज़्यादा लगती है। जब तक धूप में बैठे रहो ना, तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, और जब धूप से चले आओ ना, तो ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो इस वजह से मुझे भी हल्की हल्की ठंड लग रही है, और अब मुझे लग रहा है कि जैकेट पहन लेना चाहिए या स्वेटर कोई डाल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ये स्वेटर उतना मोटा नहीं है, पतला स्वेटर है, तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रोक सकता ये। तो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो मैं जा रही हूँ जैकेट पहनने, पहले जैकेट पहन लेती हूँ। और तो चलो जल्दी से शेयर कर देते हैं समोसे की रेसिपी आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया हुआ है, और मैदे मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है, क्योंकि मैदा में अजवाइन डाल दो तो नुकसान भी नहीं करता। और उसके बाद मैं मोइन के लिए यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी डाला है। और अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने आलू रेडी कर लिया है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो आलू मैंने यहाँ पर ज़ीरा से फ्राई किया है, ज़ीरा मटर, और उसके बाद मसाले में मैंने इसमें खड़ी धनिया, ज़ीरा और बड़ी इलायची, लौंग, और इसी सारी चीज़ों को भून करके पीस करके मिलाया हुआ है। और उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ धनिया के पत्ता और मिर्ची मैंने नहीं डाला है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिसको जैसा खाना हो वैसा डाल सकता है। तो सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, और थोड़ा सा खट्टेपन के लिए अमचूर पाउडर डाल दिया है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप जो है थोड़ा सा लेमन जूस ही डाल दीजिए, वो भी चल जाएगा। और यहाँ पे बस मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, और समोसे फ्राई करते समय ना गैस का फ्लेम जो है वो आपको मीडियम रखना है, बहुत स्लो और बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाने हैं। अगर ज़्यादा हाई रहेगा तो समोसे अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे, और अगर लो कर देंगे ना तो बहुत टाइम लेगा, तो इसलिए मुझे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो चलिए अब हमारे समोसे बन करके रेडी हो गए हैं, और ये आप देख सकते हो। और किस किस को खाना है ज़रूर आइएगा, आ जाइए, सब लोग खा लीजिए समोसे। और चलिए अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।